मथुरा में पानी की टंकी हादसे को लेकर आज एसपी डेलीगेशन को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एसपी डेलीगेशन के सामने ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगा दिए, जिसको देखते हुए एसपी डेलीगेशन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने आज एसपी डेलीगेशन मथुरा पहुंचा था। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान एसपी नेता जागेश्वर यादव के बयान के बाद लोगों में गुस्सा है और डेलीगेशन के सामने ही योगी योगी के नारे लगने लगे। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 11 लोग घायल हुए थे। पीड़ितों ने कहा कि हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारी सरकार के द्वारा जो मदद होनी चाहिए अभी तक वो मदद नहीं हुई है। तमाम लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी परेशान है, तमाम ऐसे मकान हैं जिनके सामने पेड़ खड़ा है, बिजली के तार टूटे पड़े हैं, उनका खुद देख रेख नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसा जो समाजवादी के पार्टी के इंसान जो भी नेता आए हैं केवल कागजों पर अपनी फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। ना मेरा घर और मकान टूट गया, बेटी मर चुकी है, इसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं वो सहायता आकर के अपने फोटो खिंचाने के लिए, बताइए मुझे। इस तरीके से किसी से बदतमीजी से पहचाने आए, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए कि इनका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए। जमीयत उलेमाए हिंद ने स्कूलों में हिंदू धर्म की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदू गीतों, श्लोक या फिर तिलक लगाने पर मजबूर करने का आदेश देना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और संविधान का उल्लंघन है, जिसे मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। देश का संविधान यहाँ रहने वाले लोगों को अपनी अपनी धार्मिक आस्था और प्रथाओं का पालन करने की खुली अनुमति देता है। हुकूमत की तरफ से स्कूली तलबा व तालिबात को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदवाना गीत, उसलोकों या तिलक लगाने वगैरह वगैरह पर मजबूर करने के अहकाम देना मजहबी आज़ादी में मुदाखलत और सेकुलर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, जिसे मुसलमान बल्कि कोई भी मुनसिब मिजाज हिंदुस्तानी कबूल नहीं कर सकता। जमीयत उलमाए हिंद का यह इजलास हुकूमत से अपील करता है कि वह ऐसे सभी इश्तियाल अंगेज इकदाम से बाज रहे। खबर लखनऊ से, जहां पर एक युवक ने एक लड़की की कमरे में घुसकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि किराए पर रहने वाली छात्रा के साथ मकान मालिक के एक रिश्तेदार ने पिटाई की। लड़की ने गोमती नगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या में बारिश के चलते शहर में 2 जगहों पर सड़क धंसने की खबर सामने आई। सदर तहसील के सामने और पुष्पराज चौराहे के पास ये सड़क धंसी। सड़क धंसने के बाद स्थानीय लोग निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं।